एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनहू दे। बलूचिस्तान ने आखिरकार ले लिया है बदला, और बलूचिस्तान ने जिस तरीके का बदला लिया है, पाकिस्तानी सेना में अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि बिल्कुल टॉप लेवल के कमांडर्स को ऊपर भेज दिया है, और वो भी नाटकीय ढंग से। जानेंगे क्या है मामला। पर इन सब के बीच तालिबान और हक्कानी नेटवर्क ने भारत से मदद मांग ली है। क्या पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बलूचिस्तान की कहानी अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आनी शुरू हो चुकी है। पहले ऐसा था कि कश्मीर मामले को यूके की संसद में पाकिस्तानी मूल के सांसद उठाया करते थे, लेकिन अब बलूचिस्तान की बातें भी यूके की संसद में उठ रही है। मतलब साफ है, बलूचिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दुनिया के सामने आ रहा है। बलूचिस्तान में अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अन्याय और अत्याचार ही किया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक काफी बड़ा हिस्सा है, लेकिन बलूचिस्तान पर कभी भी पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया है। अब होता क्या था, बलूचिस्तान को दबाने के लिए यहाँ पर अक्सर पाकिस्तानी सेना के जो कमांडर थे, ये जाते थे, किसी न किसी ऑपरेशन को लीड करते थे और यहाँ पर तबाही मचाते थे। कई लोगों को मारा जाता था और बहुत सारी चीजें हो। पर इन सब के बीच में बहुत ही गंदे हालात बन गए बाढ़ का। बाढ़ में बलूचिस्तान में काफी लोग मारे गए और बलूचिस्तान में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया पाकिस्तान ने। हमने आपको अपनी पिछली कई खबरों में बताया है कि जहां 343 पूरे पाकिस्तान में अलग अलग मारे गए, तो उन 343 में 111 तो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान से थे। मतलब बलूचिस्तान में राहत कार्य के लिए भी पाकिस्तान ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तानी सेना को लगा होगा, चलो अच्छा है, मरमरा जाएं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। पर अब इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ा बदला निकल कर सामने आया है। हमने आपको कल अपनी खबर में बताया था कि एक हेलीकॉप्टर है वो गायब हो चुका है, और गायब हो चुका है इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि ये हेलीकॉप्टर एक दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और कुछ नहीं हुआ है। पर जो एक्सपर्ट अपनी राय लेकर सामने आ रहे हैं, उनका कहना है कि ये दुर्घटना नहीं हुआ है, बल्कि बदला लिया गया है, और इस बदले में उन ऑफिसर्स की जान गई है जिन्होंने कभी बलूचिस्तान पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए और कई सारे ऑपरेशंस को बलूचिस्तान में लीड किया। पाकिस्तान की तरफ से जो जारी किए गए हैं फोटोग्राफ, जिसमें दिख रहा है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर ताहिला मनान और नायक फयाज, ये मारे गए हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि जनरल से एक ही पोजीशन नीचे होता है लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये एक बहुत बड़ा पदाधिकारी था पाकिस्तानी सेना का। ब्रिगेडियर, दो ब्रिगेडियर मारे गए हैं, एक जनरल मारा गया है और दो मेजर मारे गए हैं, इसके अलावे एक नाइक, मतलब पांच ऐसे थे जो काफी बड़े पद पे थे। अब इनमें से जो ये सरफराज अली है, ये सरफराज अली कई मौकों पर बलूचिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हुए लीड भी कर चुका है, और इसलिए ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बिल्कुल भी नजर में था। एक तरीके से अब कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर ऐसे नहीं गया है, बल्कि इस हेलीकॉप्टर को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने गिराया है, मार गिराया है। अब ये कभी तो स्वीकारेगा नहीं पाकिस्तान, और न ही पाकिस्तान में आधिकारिक आंकड़े आएंगे इसको लेकर कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर इस बात को कहता है पाकिस्तान, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर मुद्दा बनेगा कि इतने बड़े बड़े अफसर को बलूचिस्तान आर्मी ने मार गिराया, तो यहाँ पर कुछ जरूर हो रहा है। और अगर पाकिस्तानी सेना कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाती है, तो वो उनके लिए भी मनोबल तोड़ने वाला होगा। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने ये कह दिया कि ये बाढ़ क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग वहाँ गए क्यों थे? इतने बड़े बड़े लेवल के अधिकारी बलूचिस्तान में क्यों गए थे? तो कहा जा रहा है कि दरअसल ये दो मकसद से गए थे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान की बात
उठने लगी थी कि यहाँ पे फ्लड हो है, यहाँ पे बाढ़ है, स्थिति बहुत खराब है और पाकिस्तान बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान के सेना के इतने बड़े अफसर ये भी देखने गए थे कि उनके ऑपरेशंस किस तरीके से चल रहे हैं और बलूचिस्तान पर कितना असर पड़ रहा है, पर यहाँ तो उल्टी स्थिति हो गई और पाकिस्तानी सेना को लेने के देने पड़ गए। अब जहाँ एक तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से तालिबान और हक्कानी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं की होगी। अभी मात्र 2 दिन हुए हैं, अलकायदा चीफ अयमान अल जाहरी का मौत हुआ जिसको अमेरिका ने स्ट्राइक करके मारा। हालांकि स्ट्राइक करके मारने के बाद तालिबान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए बढ़ गई हैं कि तालिबान जो चाहता है कि दुनिया उसे रिकॉग्नाइज करे, अब हक्कानी ग्रुप में इसे पनाह दिया और पनाह देकर जवाहिरी को ये साबित कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर आतंक अभी भी जिंदा है और आगे भी काफी समय तक जिंदा रहेगा। इतने में बहुत जल्दी इस नए अफगानिस्तान के सरकार को अगर दे दी जाती है मान्यता तो ये कुछ अच्छा नहीं होगा और ये एक बहुत ही गलत एग्जांपल सेट करेगा कि ऐसे तो कोई भी सत्ता हथिया ले उसके बाद दुनिया फिर उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है। तालिबान जब सत्ता पर चढ़ा था तब भी दुनिया के पावरफुल देशों ने यही कहा था कि हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कि तालिबान एक के बाद एक क्या रूप अपनाता है। अभी हाल ही में भारतीय प्रतिनिधि पहुंचे थे अफगानिस्तान जिसके बाद कई प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट की बात भी चली थी और तालिबान की तरफ से भारत को बहुत सारे सहयोग की बातें भी कही गई थी और ये मुलाकात किया था मुत्ताकी ने खुद, यानी कथित तौर पर जो अभी तत्कालीन विदेश मंत्री है तालिबान का, उसने भारतीय प्रतिनिधि से मुलाकात किया था। पर हक्कानी नेटवर्क और भारत का बहुत ही 36 का आंकड़ा रहा है इतिहास में। बहुत सारे गुनाहों के लिए हक्कानी नेटवर्क को माना जाता है जिम्मेदार। ये भी कहा जाता है कि अलकायदा, लश्कर ए तैयबा ऐसे संगठनों में हक्कानी नेटवर्क ने बहुत ज्यादा मदद की थी, पर अब यही हक्कानी नेटवर्क ये कह रहा है, वो भी हक्कानी नेटवर्क का जो नेता है जो इस वक्त रक्षा मंत्री है, वो कह रहा है कि हमें अफगानिस्तान के अंदर शांति लाना है और इस शांति के लिए हम बिल्कुल चाहते हैं कि किसी भी हद तक चाहते हैं कि भारत की एंट्री हो और भारत हमें शांति स्थापित करने में मदद करे। हक्कानी नेटवर्क ने ये बात कही है। हालांकि ये चीज पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ और सोचा था। अगर भारत अफगानिस्तान की मदद करने को जाता है तो भारत ये चाहेगा कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकियों का शरण बनने के लिए न हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तालिबान पे भरोसा किया जा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।